नवरात्र के 9 दिनों में भक्तों का एक लंबा तांता लगता है। जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तब बहुत सारे भक्त पैदल यात्री लगातार चल के आ रहे थे। कहते भगवान का वर्णन जितना जरूरी है उतना ही भक्त का वर्णन भी जरूरी होता है, और देवी भक्तों का अपना एक अलग ही प्रसंग रहा है। एक छोटा सा भक्त हमको रास्ते में मिला था, जब उस छोटे से भक्त को हमने देखा तो महसूस हुआ कि कलयुग का भक्ति काल अगर इसको कहा जाए तो वास्तव में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि ये वो समय है जब लोगों में भक्ति बहुत ज़्यादा उमड़ रही है। बाल भक्त मिल जाते हैं, बुजुर्ग मिल जाते हैं, पैदल चलते हुए यात्री मिल जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास साधन संसाधन है, लेकिन तमाम साधन संसाधन होने के बावजूद भी जब लोग पैदल चल करके आते हैं तो उस वक्त की उस तस्वीर को भी स्पष्ट कर देते हैं। जब कोरोना के समय बहुत सारे मजदूर पैदल चल रहे थे तो कहा जा रहा था कि लोगों को पैदल अपने घर तक जाना पड़ रहा है, लेकिन माँ के धाम तक जब भक्त पैदल आते हैं तो वास्तव में कहा जाएगा कि ये भक्ति का, श्रद्धा का अगाध उदाहरण है, एक बड़ा उदाहरण। तो बने रहिएगा लगातार मेरे साथ माँ शारदा के इस दर्शन में और नव दुर्गा के इस वर्णन में। अभी हम आपको कराएंगे माँ शारदा के मंदिर का वह दर्शन, माँ शारदा के शक्तिपीठ के जो पुजारी हैं उनसे बातचीत करके यहाँ का पौराणिक इतिहास बताएंगे। जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी उतने ही अद्भुत और दिव्य और अलौकिक दर्शन हुए हैं। माँ शारदा के पीछे का दृश्य है, मंदिर के पीछे का दृश्य है। यहाँ पर श्रद्धालु बैठ करके जब सुस्ताते हैं तो उनको अद्भुत ऊर्जा का एहसास होता है। कहते ऊर्जा से ही मनुष्य संचालित होता है, हमारी जो आत्मा है वो एक ऊर्जा है और ये संपूर्ण देह उससे ही संचालित होती है। अगर वो ऊर्जा नहीं रह जाती है तो ये देह सौ हो जाती है। ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा, ऐसी आत्मिक शक्ति हमको शक्तिपीठ से प्राप्त होती है। माँ शारदा के शक्तिपीठ से लोगों को ऐसी आध्यात्मिक और धार्मिक ऊर्जा महसूस होती है। जी माँ शारदा माता की नव दुर्गा में बहुत सारे भक्त पैदल चल करके आ रहे थे, भी हमने देखा तो भक्तों की अगाध श्रद्धा सदियों से लगी हुई है। यहाँ का विशेष वर्णन आपके द्वारा हम सुनना चाहते हैं दर्शकों को। मैहर माँ शारदा जो मध्य प्रदेश मैहर जिला में स्थित है, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ शारदा में माँ शारदा मंदिर एक शक्तिपीठ है, कोई स्थापित प्रतिमा नहीं है, ये स्वयंभू है, प्रकट हुई है। कहा जाता है मैहर माँ का हार से मैहर नाम पड़ा है, और कंठ गिरने से माँ सरस्वती रूपा माँ शारदा है। देखिए हमें एक देवी भक्त मिला है, ये नन्ना सा देवी भक्त है, इसको आप देखो और इतना छोटा सा है ये। क्या उम्र होगी तुम्हारी? 11 साल। कितने से तेजी से बोलो यार, घर में तो मम्मी से तेज बोलते हो। 11 साल। 11 साल के हो? ये 9 साल का बोल रहा है, 2 साल कम बता रहा है। नहीं अभी वो परफेक्ट नहीं जन्मदिन जो आधार कार्ड में पाई ना, नहीं तो छोटा ही है। अच्छा छोटा ही बनवाया गया है। अच्छा ये ठीक है, रुक जाओ। तो नाम क्या है? विनोद नाम है। कहाँ से चल के आए हो? कमासिन। कहाँ? बांदा। बांदा जिला। अच्छा बांदा जिला से चल के आए हो पैदल। अब कहाँ सीधे मैहर तक जाओगे? कितने दिन हो गए चलते हुए? 4 दिन। 4 दिन। तुम चुप रहे यार, 4 दिन हो गए। नाम क्या है? विनोद। तो कैसे लगा कि मुझे यहाँ पैदल चल के जाना चाहिए इतनी छोटी सी उम्र में? सबके साथ में जा रहे हैं, घर के जा रहे हैं तो हम भी चले हैं। अच्छा घर के जा रहे हैं इसलिए चले आए, लगा नहीं कि थक जाओगे इतनी दूर आने जाने में? नहीं। अब जा रहे हैं तो अब माता जी कहें। अच्छा इसलिए जा रहे हो। और कैसे, क्या भक्ति है तुम्हारे अंदर, कुछ क्या है माता जी के प्रति लगाव? हमको छीर बहुत चढ़ती है, इसी मम्मी कही है जा ले जाओ। क्या चढ़ती है? छीर आ जाती है। छीर क्या होता है? गुस्सा बहुत आता है। अभी तो तुम नहीं गुस्सा हुए हो? माता जी ठंडा किए है ना माहौल। माता जी ठंडा किए है माहौल। अच्छा ठंडा किए हैं, पैदल चल गया है तो ठंडे हो गए? नहीं, माता जी कृपा हो रहा है। अच्छा तो इतनी भक्ति आ गई तुम में अभी से बचपन से ही? तो देखिए ये छोटा सा बच्चा है और बांदा के कमासिन से चल करके आया है।
अगर कलयुग का भक्तिकाल इसको कहें तो सर यकीनन कहा जा सकता है कि ये कलयुग का भक्तिकाल है। भक्तों का एक बहुत लंबा ताता आपको हमारे पीछे दिखेगा कि कितने भक्त पैदल चल करके मैहर पहुंच रहे हैं। मान्यताओं को लेकर हम बात करें, यहाँ सैकड़ों वर्ष से भक्तगण आ रहे हैं, मन मानसिक फल खा रहे हैं, सौ से हजार, हजार से लाखों की संख्या में भक्तगण मैहर धाम आते हैं, हम मन मानसिक फल पाते हैं। माँ के दरबार में देखा गया है, कोड़ी को काया, निर्धन को माया, हम कांजों को पुत्र जैसे वरदान प्राप्त हुए हैं। माँ के दरबार में सच्चे मन से जो कोई भक्त आया है, मन मानसिक फल पाया। 3 तारीख से प्रारंभ हो रही है माँ शारदा की नवरात्रि, जिस पर लाखों की संख्या में भक्तजन मैहर धाम माँ शारदा की दरबार आएंगे और दर्शन प्राप्त करेंगे। सारी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन द्वारा यहाँ दुरुस्त की गई हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, व्यवस्था के दृष्टिकोण से, और दर्शनार्थियों के दर्शन सुविधाजनक हो इसके दृष्टिकोण से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। माँ शारदा के दरबार में नवरात्र में भक्तगण आए और दर्शन प्राप्त हुए। यहाँ की खोज आला जिसे महान भक्त ने की थी ऐसा कहते हैं। आला ने खोज नहीं की, खोज तो बहुत सैकड़ों वर्ष पहले कोई एक चरवाहा आया था, उसे यहाँ दिखा कि कोई प्रतिमा बैठी है। आला तो कुछ वर्ष बाद यहाँ आए थे तो उन्हें देखा माँ दरबार, तो भाव विमोर हो गए और यहीं पे तपस्या व भक्ति करने लगी। पीछे उनका अखाड़ा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के महोबा के रहने वाले थे आला, जिनका उनका प्रमाण मिलता है। आज भी रात भक्तगण आते हैं और माँ के दर्शन पूजा अर्चना कर जाते हैं, उनके आने की अनुभूतियाँ अनेकों प्रकार से प्राप्त होती। कहाँ से आए हैं आप लोग माता के दर्शन करने? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं जी, और माता रानी का दिव्य दरबार, पावन दरबार के हमने दर्शन प्राप्त किए। पहले बहुत दिन से इच्छा थी, नवरात्रि में बहुत भीड़ हो जाती है, इसके कारण आना संभव नहीं था, पर आज माता की कृपा हुई और उन्होंने आज बुला लिया। दोनों पति पत्नी आए हुए हैं और माता रानी ने हमारी मनोकामना पूर्ण की है, इसलिए हम दोबारा दर्शन करने के लिए आए हैं। ऐसी क्या मनोकामना रही होगी, बता ना सकते हो तो मत बताइएगा, लेकिन अगर बता सकते हो तो बता। विशेष करके मनोकामना व्यक्ति की अपने बच्चों के लिए, अपने करियर के लिए होती है, और बच्चों के लिए जो है अच्छा घर परिवार, गुड़िया के लिए और बेटे के लिए अच्छा कॉलेज प्राप्त हो गया, ऐसे माता रानी से मन्नत थी और वो पूरी हो गया है। मतलब माता रानी के चमत्कार पर आपको विश्वास है? बहुत ज़्यादा आस्था है, क्योंकि ये दिव्य शक्ति पीठ है माता रानी की, और सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये रोए खड़े हो गए, मैं भी यही मंत्र बोल रहा हूं। माता रानी का ये पवित्र चमत्कारिक दिव्य मंत्र है और इसकी साधना नवरात्रि में भक्त यदि करते हैं तो माता निश्चित रूप से सभी प्रकार के कष्टों का हरण करेगी और सिद्धि को प्रदान करने वाली होगी। जय माता। नाम क्या आपका? पंडित देवेंद्र कुमार शास्त्री। पंडित देवेंद्र कुमार शास्त्री, आपका क्या नाम है? अच्छा, शिवा पारा से। तो देखिए, हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जो भीड़ को ताक रहे थे कि भीड़ जब बहुत ज़्यादा नहीं होगी तब हम माता रानी के दर्शन करने जाएंगे, और समय चुना था पितर पक्ष से एक दिन पहले का, जब समाप्त होने वाला है अमावस्या से ठीक पूर्व का समय। और ऐसे ही बहुत सारे भक्त होते हैं जो भीड़ से दूर हट करके भक्ति करते हैं, इसका भी अपना एक बहुत बड़ा कारण होता है कि भीड़ में बहुत सारा ध्यान नहीं लग पाता है, अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते हैं। हालांकि लोगों को उन विशेष दिनों में भी दर्शन के जो लाभ हैं उनकी अपनी मान्यता है, लोग चल करके भी आते हैं, पैदल चल करके बहुत सारे लोग आ रहे थे, एक बाल भक्त भी पैदल चल करके आया था, तो अपने आप में एक बड़ा दिव्य और अलौकिक अनुभूति हो रही थी कि एक छोटा सा बालक, महज 9 वर्ष का बालक, जो 200-300 किलोमीटर से पैदल चल करके माता रानी के दर्शन करने के लिए आता है, तो वो जब आप देखेंगे उस बालक को तो आप सोचते रह जाएंगे कि वास्तव में ऐसे भी बच्चे होते हैं। और कलयुग के इस भक्तिकाल में भक्ति का जो एक संगम नजर आ रहा है भारत के अंदर, तो देश विदेश के लोगों को भी ये तय मानी है कि देश विदेश के लोगों को अगर मोक्ष चाहिए जीवन का तो उनको भारत की ओर हमेशा से रुख करना पड़ना है, चाहे स्टीव जॉब्स रहे हो, मार्क जुकरबर्ग रहे हो, ऐसे तमाम भारत के ऐसे शक्तिपीठ
पीठ है, ऐसे आध्यात्मिक और धार्मिक स्थान है जहाँ पर बड़े से बड़े लोगों को हमेशा भारत की ओर रुख करना पड़ा है। वाराणसी मुक्ति के लिए जाना जाता है, माँ मैहर का स्थान शक्तिपीठ है। चित्रकूट धाम अपने आप में बहुत ही अलौकिक, चारों धाम में एक श्रेष्ठ धाम है चित्रकूट धाम। तो इस प्रकार से आप देखिए कि भारत का धार्मिक आध्यात्मिक वर्णन में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।